वेलकम टू एडजोस। एडजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी पुलिस के कांस्टेबल का फॉर्म जो है वो किस तरह से भरा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरे फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पर डमी डेटा डाल के वहाँ पर हम लोग देखेंगे, किसी भी कैंडिडेट का ये एक्चुअल डेटा नहीं होगा, ये डमी डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आरक्षी नागरिक पुलिस आरक्षी पीएससी पुलिस पदों पर भर्ती 2018 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक। ठीक है, इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो इसको आपको एक ओपन होगा, एक फॉर्म ओपन होगा जिस फॉर्म में आपको डिटेल भरनी है। देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट टाइम, क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन और क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। जब आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको बार बार जब भी लॉगिन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसी रजिस्टर्ड डिटेल से। ठीक है, तो ये सबसे पहले इस पर जैसे क्लिक करेंगे हम तो इस पर क्या आता है डिटेल, जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे एक इन्फॉर्मेशन सामने, एक मैंडेटरी है जिसको आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जो फील्ड मार्क्स है वो मैंडेटरी है, ये सारी चीज़ें आपके पास है। पहले पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिक्स डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए और फिर पेमेंट डिटेल। तो इसको हम लोग क्लोज कर देना है सीधे और उसके बाद यहाँ पर ये डिटेल फिल करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका जो ये डिटेल वही होगी जो 10th के सर्टिफिकेट में है आपके। ठीक है, और आईडी प्रूफ जो भी आप ले जाते हैं वो उसमें वो सब चीज़ें सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए किसी तरह का। फर्स्ट नेम सरनेम जो है वो किस हिसाब से होगा वो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आपका एप्लीकेशन का फर्स्ट नेम, यहाँ पर है मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। किसी का मिडिल नेम नहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने ये डेटा जो है पहले से ऑलरेडी यहाँ पर फिल करके रखा हुआ है। किसी का डमी डेटा है जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, जैसे राम कुमार शर्मा ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, बीच में कुमार है, हो सकता है किसी के नाम में कुमार ना हो, राम शर्मा हो तो राम शर्मा लिख सकता है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना है आप लोग को। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो डेट ऑफ बर्थ सामने आएगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो ये, उसके बाद यहाँ पर यहाँ से मंथ आ जाता है और जब फिर एक बार इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से पूरा ईयर आ जाता है। तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, इधर से स्क्रॉल करके आगे पीछे करके इसको चेक कर सकते हैं कौन सा आपका ईयर है, उस डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपकी एज कैलकुलेट होकर आ जाती है। जैसे ये कैंडिडेट है कोई, इसकी एज आ गई यहाँ पर 22 साल 6 महीना 0 दिन। ठीक है, एक्चुअल एज यहाँ पर आ गई, नोटिफिकेशन के हिसाब से 18 से लेकर 22 साल उम्र होनी चाहिए, लेकिन 1 साल की जो है वो छूट दी गई है क्योंकि 1 जुलाई 2018 पहले वैकेंसी आनी थी 2017 में, तो 1 जुलाई 2017 के अकॉर्डिंग मांगी गई थी आवेदन, तो उस हिसाब से 1 जुलाई 2018 को जो है 22 साल पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 की वैकेंसी के हिसाब से 1 साल का जो है वो छूट दिया गया है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह फिल करके यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जैसे ये मोबाइल नंबर किसी और का भी, किसी का भी नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया 6532 इस तरह से। सेम डेटा जो यहाँ फिल करेंगे वो यहाँ होना चाहिए और जो ईमेल आईडी यहाँ है वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने का जिस पे एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर के लिए पूछेगा आपसे, पूछेगा यस करना है आपको, यस करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है प्लीज इंटर करेक्ट। ये एक दो बार आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है तो इस वाले डेटा को आपको फिर से फिल करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया N Y Q X Z N T। ठीक है, अब ये वाली डिटेल हम फिर से यहाँ पर सबमिट करते हैं, यस किया, इस बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सामने आपके फॉर्म लोड हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है। ठीक है, इतने इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन नंबर हो गया, यहाँ पर आपकी डिटेल होगी 22 साल 6 महीना 0 दिन, कैंडिडेट का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये आपकी पर्सनल डिटेल हुई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करना है आपको एडिट प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन नंबर आपको नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद आइए इस पर एप्लीकेशन प्रिंट फॉर्म पे, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। फिर से आपके पास ये इस तरह की डिटेल आ गई है जिसको आपको ध्यान से देखना है और इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद आपसे यहाँ पर डिटेल पूछी जाएगी, एडवर्टाइजमेंट नंबर यानी जो वैकेंसी का नंबर है वो यहाँ पे, ये जो आ रहा है सामने सामने, इसको आपको क्लिक करना है, ये सभी सिलेक्ट करना जरूरी है, ये यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट को पहले देना चाहोगे। दो तरह की वैकेंसी है, एक है कॉन्स्टेबल पीएससी और एक है कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस। तो पहले सिविल पुलिस को मान लो कि मैं चुनता हूँ और ये फिर इसमें दूसरा ऑप्शन आएगा आपके पास, हाँ देखो ये आ चुका है कॉन्स्टेबल सिविल पहला और यहाँ पर ऑप्शन आ गया कॉन्स्टेबल पीएससी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन फिल हो गए, इसके बाद आपका डिटेल यहाँ पर फिल, अगर फिर भी आपको लगता है कहीं पर कोई गलती हो गई तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस, ठीक
ठीक है, मैरिड हैं या सिंगल हैं वो लिखना है। उसके बाद आधार नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। मदर नेम भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी आप खाली रख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए डोमिसाइल स्टेट, यानी आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, यूपी के हैं या अदर देन यूपी। यूपी वाले यूपी सेलेक्ट करेंगे, अदर देन यूपी जो है अदर देन यूपी, मान लीजिए अदर देन यूपी करता है कोई, अदर देन यूपी करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर यूपी सेलेक्ट करते हैं तो यूपी सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी ओबीसी या किस में, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम यूपी अदर देन यूपी कर दिया, यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर दिया। अब आपसे यहाँ पर एड्रेस डिटेल पूछा जा रहा है, ठीक है। एड्रेस डिटेल मान लो मैंने कुछ भी यहाँ पर डमी डेटा लिख दिया, इसमें आपका जो एड्रेस है प्रॉपर वो लिखिएगा, ठीक है। जो सिटी है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। सिटी में मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ कुछ भी, स्टेट जो है वो यहाँ पर आपको अदर देन यूपी सेलेक्ट करना है। प्रेजेंट एड्रेस पिन लिखना है मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेट का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये नाम लिख दिया और स्टेट की यहाँ पर सिटी लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है, इसको आपको करना है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम है प्रेजेंट एड्रेस से। तो अगर आप दोनों, आप लोग का परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है तो आप येस पे क्लिक करें, ठीक है। जैसे ये सारी डिटेल फिल हो गई, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे सेव एंड कंटिन्यू पे टिक करना है। यहाँ पे कह रहा है मैंडेटरी वैल्यू जो है वो मिसिंग है, कोई एक वैल्यू जो है हमने मिस कर दिया। जैसे देखो यहाँ पे जेंडर की डिटेल नहीं लिखी, मेल पे क्लिक कर दिया। अब इसको सबमिट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू, ये डेटा हमारा सेव हो गया, ठीक है। सेव हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ चुका है, पर्सनल डिटेल देखो यहाँ पर सारी चीज़ें सेव हो चुकी है। और अब हम जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, इसमें 10th और 12th दो डिटेल आपसे मांगी गई है। 10th की डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ, ठीक है, ये सबमिट हो चुका था। अब यहाँ पे अब मैसेज आया सबमिट का, नेम ऑफ पासिंग बोर्ड स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जिस बोर्ड से आप पास किया वो यहाँ पर आपको लिखना है, डेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट पे वो लिखा होता है वो आपको यहाँ से लिखना है, और उसका रोल नंबर लिखना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पास करता है नवंबर, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 2017 में ही वो पास हो गया, मान लो 15 में, मान लो जन 15 के जून में मान लो पास हो गया है, और 2 जून को उसका रिजल्ट आ गया, मान लो जो डिटेल आई है सर्टिफिकेट पे, और रोल नंबर में यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, ये उसका रोल नंबर था, ठीक है। अब बोर्ड जो है वो मान लो यहाँ पे सीबीएसई है, ठीक है, तो वो सीबीएसई लिख देगा, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड लिख देगा। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है, जैसे यहाँ पर भी अगर कोई सीबीएसई है, सीबीएसई लिख दिया 12th, या यूपी है तो यूपी लिख देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये पास करता है 2017 में, ठीक है, तो यहाँ पर 17 के जून में मान लो ये चीज़ डिटेल लिखनी है, 1 जून लिख दिया मैंने, रोल नंबर यहाँ पर लिख दिया मान लो कुछ, ये सीबीएसई। आपको अपना एक्चुअल लिखना है, मैं यहाँ पे डमी डेटा लिख रहा हूँ इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर किसी के पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, जैसे प्रोफेशनल प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, आपके पास है तो आप इसको फिल कर दीजिए। जैसे बी सर्टिफिकेट नेशनल कैडर एनसीसी का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। ऑब्टेन ओ लेवल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कंप्यूटर का डुअर्क लेवल का या NEILT का ओ लेवल का सर्टिफिकेट तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी, ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, अगर ये सर्विस आपने किया हुआ आर्मी में तो यहाँ पर नो लिख दीजिए, नहीं किया, ये नहीं किया तो नो लिख दीजिए, यस किया तो यस लिख दीजिए, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी एजुकेशनल डिटेल जो है ये सेव जो हो जाएगी, और थोड़ी देर में उसी तरह जैसे पिछली बार मैसेज आया था उसी तरह का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो डिटेल है वो सेव हो चुका है, ठीक है। फिर आपको जाना है डॉक्यूमेंट अपलोड पे, जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाएंगे यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है। फोटोग्राफ जो है वो 3.5 बाई 4.5 का होना चाहिए, आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, और सिग्नेचर भी उसी हिसाब से वहाँ पर दिया हुआ है कि क्या सिग्नेचर होना चाहिए साइज, ठीक है। उसके लिए आप लोग इमेज रिसाइजर एक वेबसाइट है, वहाँ से जाकर के अपने फोटोग्राफ को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और सिग्नेचर को भी। उसके बाद आपको जाना है पेमेंट डिटेल में, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सबमिट कर दीजिएगा आप लोग, सेव एंड कंटिन्यू, उसके बाद जाइएगा पेमेंट डिटेल पे। पेमेंट डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना है या ऑफलाइन करना है वो आप लोग को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट किया है,
ठीक है, ऑनलाइन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया आपके पास कैप्चा कोड फिल करने का। ठीक है, ऑफलाइन के लिए इन्होंने डिटेल दिया नहीं है। द पेमेंट मोड इज ऑनलाइन वाया SBI, ये SBI के थ्रू ही इन्होंने पेमेंट दिया, ऑफलाइन मोड का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आप ऑनलाइन, 400 रुपये का यहाँ से आपसे पेमेंट मांगा जाएगा। अब जैसे इसमें आप कैप्चा फिल करोगे यहाँ पर, उसके बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू पे आएगा, प्रीव्यू कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 23J7PQ, उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर एप्लीकेशन प्रीव्यू पे करना है। तो ये आपको बता देगा, अगर कोई एरर होगा तो ये आपको बता देगा कि आपके एप्लीकेशन में कहाँ पर क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, अभी ये ओके कर रहा हूँ मैं। आप सबमिट करना चाहेंगे तो यहाँ पे सबमिट जैसे करोगे यहाँ पे आ रहा है मैंडेटरी वैल्यू इज मिसिंग ऑन डॉक्यूमेंट अपलोड। अब देखो डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या दिक्कत है, ये आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। ये फोटोग्राफ आपके पास नहीं है और कैंडिडेट का सिग्नेचर नहीं है, तो ये दोनों चीज़ ज़रूरी है, इसीलिए भरनी पड़ेगा। पहले ही अपलोड करना पड़ेगा फोटो, और उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल में जाकर पेमेंट सबमिट करनी है। ये आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट, तब जाकर सबमिट पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा डिटेल, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं आप। लॉग आउट करने के बाद जब भी आपको लॉग इन करना होगा तो ठीक उसी तरह आप उसी लिंक पर जाएंगे और लॉग इन करके वो एप्लीकेशन का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो एप्लीकेशन नंबर, इसलिए एप्लीकेशन नंबर आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कि सबसे पहले वाली स्क्रीन पे आता है, उसके बाद ये अपीयर नहीं हो रहा है यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो इस तरह की ये थी एक वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।